जस्ट बनाने स्टार्ट किया, अभी ये तो बना दिया राधे राधे भाई। तो आज क्या हुआ है, मम्मी की ड्यूटी थी तो मम्मी क्या हुआ 8:30 बजे निकल गई, और आज थोड़ा लेट सब लोग सो के उठे थे, 7 बजे शायद उठे थे, उसकी वजह से खाना पूरा बन नहीं पाया था। oh, no! पराठे बना रही थी आलू के, शायद वो भी थोड़ा ही बनाई, थोड़ा ऐसे छोड़ के चली गई, कहें कि बना लेना, अब ऐसे पड़े हुए हैं सब सामान के, इसमें ढक के पड़ा हुआ है, इसमें शायद आलू है जो चोखा होता है और इसमें आटा है, बाकी एक ही पराठा बना है, देख रहे हो एक ही पराठा बना है, क्योंकि जल्दी नहीं निकलती, अगर 8:30 बजे यहाँ से नहीं निकलती तो बस बस मिलना बहुत दिक्कत हो जाता है, एक ही बस जाती है यहाँ से, रॉयल करके एक बस है, वो 8:30 बजे शायद निकलती है, तो उसी को बैठ गई उसी पे, तो इसीलिए निकल गई, बन नहीं पाया। मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बनाऊँगा, नहीं तो फिर दीदी आएगी वो बनाएगी। ऋतिक को मैं जिम गया था सुबह, तो ऋतिक बोला था कि जल्दी आ जाना, मुझे सूट पहन के जाना है, तो मैं कहा कि आज तुम स्कूल मत जाना, मैं लेट से जाऊंगा, क्योंकि आज 8:30 बजे मैं गया हूँ जिम, कोई नहीं। तो 2 पराठे रखे हुए थे, मैंने उसको खा लिया है, और फिर बना भी देता हूँ, 2-3 बना दूंगा, बाकी दीदी आके बनाएगी, आने जब आए तो कुछ ना कुछ खा ले, तो मैं 2-3 उसके लिए बना देता हूँ, फिर वो आएगी तो बनाएगी। जस्ट बनाना स्टार्ट किया हूँ अभी, ये तो बना लिया, अब पहले इसमें ये चोखा भरूंगा, फिर इसको बेलूंगा, फट से भर लेते यार, इधर अंधेरा भी इतना है, मैं फ़ोन कहीं रख भी नहीं सकता हूँ, मैं भर लेता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैंने एक चढ़ा दिया है और दूसरा में मुझे शुरू करना है, इसको बेलना है, तब तक इसको पहले पलट लेता हूँ भाई, एक तरफ से तैयार हो चुका है, इस पे तेल लगाना है मुझे। अच्छा तो भाई पराठा बन चुका है, और मैं थोड़ा देख लेता हूँ बाहर का मौसम, ऋतिक का दोस्त अभी आया हुआ था, तो ऋतिक अपने दोस्त के साथ कहीं चला गया है, और भाई ठंड बहुत है, धूप बिल्कुल नहीं निकली है, देखो हाल, वो 2 बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ। चलता हूँ मैं भी, एक पराठा खा लेता हूँ, उसके बाद फिर सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह ही उठ जाता हूँ, पैर बहुत दर्द हो रहा, आज 3रा दिन है जब मैं लेग की एक्सरसाइज किया था, लेकिन पैर अभी भी दर्द हो रहा भाई, गेट खोल गया, मैं चला सोने, मेरे घर में भीड़ लग चुकी है, भैया क्या चला रहे हो तुम, ये देखो यहाँ मंडली जमा है, एक लोग वीडियो एडिट कर रहे हैं, और एक लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। बुढ़े तुम क्या कर रही हो, छोड़ू पराठा बना रही हूँ मेरी छोटी बच्ची, पराठा बनेगा। अच्छा डांस करके पराठा बनता है, ये देखो मैंने आधा नोच लिया था, आधा ये खा गई है, उसका ऐसे करूंगा, वैसे करो आधा खा के रख दे रही है, फिर जब मनोरा फिर आधा खा ले रही है, कितनी अच्छी बात है, मतलब जितनी भूख लगे उतनी खाओ, पर्याप्त है, हम थोड़ी ना, मेरी नहीं है तौलिया, वो माय तौलिया इज नॉट, इस टीवी क्या करूं मम्मी पड़ी है, बेच बाज दे उन्हें मिले तो ना तावा 10 रुपए में बेच दे, हट दादा दिए हैं, बोलो तो 10 रुपए में बेच दो, 10 रुपए की सुरती खा लूंगा मैं, आयो रे मां सुरती जमाई जाती थी पहले, गाँव सुरती खा रहा था, हम तुम मिलने में ना सूती बनाएंगे ऐसे पीट पीट के हाथ से, और खाएंगे फिर चुनौती में रखेंगे गांव में दादा उधर लोग, वो चुनौती आती थी उसमें इस तरफ भी खुला रहता था, इस तरफ भी, दोनों तरफ वो लोग भर के, वो क्या कहते हैं उसको,
अभी जो मैं बोल रहा था भाई, तो उसी में रखे रहते थे, फिर लेके पीट पाट के ऐसे ऐसे बना के खाते थे। जितने बाबा लोग सब आए हैं चंदा इकट्ठा कर लेना। हम लोग को लेना है सिर्फ आलू, और पूरी बाजार ढूंढ डाले आलू, उनको मिल रहे हैं जिस रेट में हम लोग को चाहिए। आलू तो मिल रहा है लेकिन रेट जो हम लोग चाहिए वो नहीं मिल रहा है। शिट, दो सामान लेना है बस, लेके निकल लेते हैं भाई, ठंड आज कुछ ज्यादा है। कहाँ रहिए भैया? गाइस, मैं जस्ट अभी सामान लेके आ रहा हूँ, ये वो आलू वालू, और शायद मेरे पापा आज लेके गए थे फोर व्हीलर को रैली में, भगवान जी आगे छपे हुए हैं ये देख रहे हैं यहाँ, और ये दोनों झंडे इधर उधर लगाए गए हैं, कितना बढ़िया लग रहे हैं भगवान जी। बात तो सही है। रैली, रामलला विराजमान, शोभा यात्रा, मैं भी जाऊँगा कभी, बोला तो है अनीस की कल एक शोभा यात्रा निकलेगी, अगर हो पाएगा तो मैं भी जाऊंगा कल शोभा यात्रा में, मुझे बहुत मज़ा आता है, ऊपर से भगवान जी का है तो और बहुत मज़ा आएगा जाने में। छोड़ो छोड़ो यहाँ सीधा ऊपर से, ठंड भाई बहुत है।